तो दोस्तों फाइनली कुछ ही महीनों के भीतर भारत को मिलने जा रहा है अपना सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रिक हाईवे, और ये कोई नहीं बल्कि दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। फाइनली यहाँ पर नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर डाली है, और उन्होंने कहा कि हमारा अपकमिंग दिल्ली जयपुर ये इलेक्ट्रिक हाईवे, इस पे जल्द ही ट्रायल रन शुरू कर दिया जाएगा फ्रॉम 9th September, और वो भी इसी साल। ट्रायल रन इस साल शुरू होगा, लेकिन जो ऑपरेशनल है पब्लिक के लिए ये खोला जाएगा अगले साल से। वैसे ये जो पूरा एक्सप्रेस वे है 278 किलोमीटर लंबा होगा, जो चार्जिंग फैसिलिटी पूरी तरह से एकदम इंटीग्रेटेड प्रोवाइड करेगा, और इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से कार्बन फुटप्रिंट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। अश्विनी चौबे जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट है, ये फ्लैग करेंगे हमारे दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे का। भारत में ये जो बनाया जा रहा है, आपको बता दें कि जर्मनी और स्वीडन में जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक हाईवे है उसके तर्ज पे बनाया जा रहा है। वैसे इस देश में ऑलरेडी काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक हाईवे है जो अलाउ करते हैं बैटरी को एकदम ऑटोमेटिकली रिचार्ज करने के लिए, और ऐसे तरह के इनिशिएटिव तो एक पूरा इकोसिस्टम बनाकर रख डालेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। खैर, अब भारत की बात करें तो ट्रायल रन जो इन्होंने बोला है कि ये लोग शुरू करेंगे 9 सितंबर से, यहाँ पर सबसे पहले 24 इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ाई जाएंगी, इसको चार्ज किया जाएगा, और फिर मोर देन 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फिर इस इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस वे पे डाला जाएगा, ताकि इसकी वायबिलिटी चेक की जा सके कि ये कितना, इसकी कितनी कैपेसिटी है बेसिकली। कमाल की बात अब यहाँ पर यह है कि NHEV ने ये भी कहा है कि एवरी सिंगल कार मेकर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर है बेसिकली, वो अभी स्पॉन्सर कर सकता है एक प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दिस टेक ट्रायल, और फिर इन्हें फ्लीट ऑर्डर्स मिल सकते हैं आसानी से। तो दोनों के लिए काफी बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर। खैर, टेक्नोलॉजी की बात करें, स्वीडिश फर्म से हमारी बातचीत शुरू है इलेक्ट्रिक हाईवे ये जो बनाया जाएगा दिल्ली मुंबई फिर दिल्ली जयपुर स्ट्रेच पे सबसे पहले। सो यहाँ पर स्वीडिश टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। गडकरी जी भी यहाँ पर अर्ज कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने में, और अर्लियर उन्होंने EU कंपनीज को भी इन्वाइट किया था भारत में कि वो आकर इलेक्ट्रिक हाईवे का निर्माण बिल्टअप शुरू कर डाले। इन सब के अलावा तो 22 यहाँ पर ग्रीन एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्शन भी काफी तेजी से शुरू है, एकदम रिकॉर्ड स्तर पर कंस्ट्रक्शन शुरू है, और अब तो आने वाले समय में ये इलेक्ट्रिक हाईवे हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तो चार चांद लगा देगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।